तो यार मैंने जो है वो ले लिए अपने, ये देखें, ये रहा हमारा सेपरेट, ये रहा दो। अरे यार चेक करो दोस्तों, ये तो आंधी आई हुई है। ये देखो यार, ये देखो, ये देखो भाई, ये तो ये खिंच जाएगा डंडा। ओ भाई, ओ ओ ओ ओ भाई 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 यार ने जो है बबलू के पास, बबलू तुम लोग बोले के फिर नाम चेंज कर दिया, इसका भी कुछ करना पड़ेगा यार। अब पूरा तरपाल फट गया यार, पूरे का पूरा। यार मौसम देखकर लग रहा है ना दोस्तों, आज बारिश पक्का है, देख रहे हो, बिल्कुल भी धूप नहीं है और बादल चढ़ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो यार जैसा कि तुम लोगों ने देखा, आज मौसम कैसे बदल रहा है और तेज हवाएं चलना शुरू हो गई हैं। तो इसी वजह से यार आप लोगों को याद होगा कि हमने जो अपने फैंसी मुर्गे मुर्गियाँ थे वो कज़न को रखवा दिए थे, जब बीमारी आई थी हमारे यहाँ रानी खेत की तमाम परिंदों में सेटअप पे। तो अब यार वो उससे लेकर आने हैं, इससे पहले कि बारिश स्टार्ट हो जाए, सीजन लग जाए बारिशों का, हमें वो लाजमी लेकर आने थे। और कज़न के पास, क्योंकि छत पे जो है उनकी बहुत गर्मी है, जगह नहीं हो रही, और नीचे उनका घर बहुत छोटा है, वहाँ पे वो रख नहीं सकते, इस वजह से मुझे लेकर आने पड़ेंगे। तो अभी मैंने बोला यार यहाँ इससे पहले बारिश हो जल्दी जाके ले आता हूँ। तो यार हारिस को बुला लिया मैंने, अब जाते हैं। और ये भाई ने मोबाइल लिया, ओ माय गॉड, इसकी ट्रीट तो दो। गिफ्ट किसने दिया? ये वाइफ ने, इसकी शादी शुदा है भाई, माशाल्लाह। चलो चलते हैं और लेकर आए जल्दी। अरे भरा दो गाड़ी। तो यार मैंने जो है वो ले लिए अपने, ये देखें, ये रहा हमारा सेपरेट, ये रहा दो, और वो रहा हमारा एक। को लेके चलते हैं, बाकी मैं बड़ी मुश्किलों से बैठा हूँ, दोनों टांगे मेरी खुली हुई हैं और बहुत मुश्किलों से बैठा हूँ। पैर से इनको घर लेके चलते हैं, फिर वहाँ ले जाके निकालते हैं, और जो जो चीज़ें वो नहीं है उनके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल से बताता हूँ कि इनके साथ क्या हुआ। A few moments later. अरे यार चेक करो दोस्तों, ये तो आंधी आई हुई है, कितना गंदी आंधी आ रही है, देखो सारी मिट्टी मिट्टी आ रही है। खैर यार मैं इसको ऊपर लाया हूँ, पहले इसको हम शिफ्ट करते हैं। सबसे पहले कहाँ डालूँ, इधर डाल दो। नहीं यहाँ नहीं, इसको डालते हैं यहाँ पे, तुम जाओ यहाँ। यार इसको यहाँ डाल देते हैं, अब वो जो दूसरा पिंजरा उसको लेकर आते हैं अपन नीचे। यार ये गिर जाएगा, इसको नीचे कर दूँ पहले। ये पिंजरा यार गिर जाता है, आप लोगों को पता है, जैसे ये बादल चले जाएगा इस पिंजरे को हम वापसी खड़ा कर देंगे, क्योंकि इसका वेट इतना है नहीं, ये गिर जाता है हर मरतबा। यार अल्लाह रहम करे बस, और गंदी मिट्टी चलती है। तो यार आंधी जो है वो अच्छी खासी है, अब जाके थोड़ी बहुत सेट है, लेकिन मिट्टी देख रहे हो कितनी हो रही है। ये कैमरे से ज्यादा ना वैसे बहुत वाजे हो रही है, और हवा जो है ना बहुत शिद्दत की तेज चल रही है। ये देखो यार, ये देखो उड़ी गया, मैं क्या बोल रहा था। चलो यार तुम जाओ इधर। तो यार तरपाल जो है हमारा, ये देखो उसके बीच से दो टुकड़े हो गए, बीच की लाइन बन गई। भाई ये तो ये खिंच जाएगा डंडा। ओ भाई भाई बहुत तेज है, इसको बांधना डंडे को। अरे बहुत गंदी तेज हवाएं चल रही है, बहुत ज्यादा। चेक करो यार, सारा मिट्टी मिट्टी हो रहा है मौसम, और हमारे सेटअप का ये हुआ हुआ है कुछ हाल। ये देखो यार, ये देखो यार कबूतर भटक रहे हैं दोस्तों इसके अंदर, ये जा रहा, देख रहे हो कितनी स्पीड में जा रहा था ये कबूतर, आधे से ज्यादा अब भटके रहेंगे। ये जा रहे, ये देखें, ये जा रहा एक वो चिड़िया जा रही, सारे कबूतर वो सारे के सारे भटक गए आगे पीछे इस चक्कर में। इसे तुम मेरे को चलो यार, बहुत शिद्दत की हवा, बहुत ज्यादा तेज। इनको भी ऊपर ले आए हम, अब ये थोड़ा थोड़ा अंदर, इसकी सेटिंग करनी पड़ेगी। इधर से करें आप, हाँ अंदर करें बस। इसके नीचे वापसी वही पिंजरा आ गया जो हमारा था, ब्लैक वाले से मिले छोटा डॉन, अभी ने खोल नहीं सकता, खोला तो आप लोगों को पता है, अभी तो हवा के साथ उड़ते हुए जा रहे होंगे ये, तो ख्याल करना थोड़ा। और ये जो है यार व्हाइट वाला, ये अकेला है, और वो जो है सेपरेट वो भी हमारा अकेला है। इनके बारे में तो मैंने आप लोगों को डिटेल देनी थी, वो यही थी कि यार हमारे व्हाइट वाले की मादी मर गई उनके घर पे, और जो सेबराइट है उसकी मादी भी मर गई वहीं, और वो शायद बीमारी में मरी है या गर्मी की ऐसे मरी है, तो वो बोल लेते बस पता नहीं चला उनको भी ज्यादा, तो बस वो दो चीजें हमारे पास नहीं आ पाई, बाकी ब्लैक व्हाइट वो सेबराइट जो है वो आ गया आराम से।
खैर यार इनको यहाँ छोड़ते हैं अभी, क्योंकि अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ इनको, दाना पानी अभी करना है मैंने, पहले जाके दुम्बे को नहला दो। यार नीचे ब्लैकी को नहलाने आ गए भाई, जो है वो नहला रहे हैं ऐसे। भाई देख लो ये तो पानी में नहाने के बाद और भी पतले हो गए। हाँ भाई चला भाई, शैम्पू वैम्पू तो नहीं लगाए है ना? ले आओ। चलो भाई शैम्पू भी लगा देते हैं, इसको पहली नहलाइए ना इसकी बाल उतरने के बाद। तो यार शैम्पू लगाना शुरू कर दिया है हमने दिलबर को, क्योंकि दिलबर जो है वो काफ़ी गंदे हो रहे थे। मैं एक ही हाथ यूज़ करूँगा क्योंकि मोबाइल नहीं पकड़ पाऊँगा, और यहाँ पे हमारे रखने की जगह नहीं है। अगर स्टैंड भी रखूँगा तो आप देखो जगह कितनी सी है ये, तो यहाँ पे स्टैंड गिरने का बहुत खतरा होता है, हवा बहुत तेज चल रही है, मैं मोबाइल का रिस्क नहीं ले सकता भाई साहब बहुत। तो इसलिए मैं एक हाथ से काम कर रहा हूँ, एक हाथ से वीडियो बना रहा हूँ। गंदी तो हो रही है इसकी टांगें ना, देखो कितने प्यार से रहा है सुकून से, ना आगे पीछे जा रहा है ना कहीं ना कुछ, ये देखें इसको यार सुकून मिला होगा बहुत, क्योंकि कल इसको हमने नहलाया ही नहीं चाचा के चक्कर में, तो ये आज ना आया है, तो एक दिन भी बहुत रहता है इनके लिए। खैर से भाई दिलवर आज नहा लिया माशाल्लाह से, इस पर अपना पानी यानी डाल के हम जल्दी से यार फिर सेटअप पे जाऊँ ना, उसको खाना वाना करना है बाकियों को, और देखना है कि आंधी रुकी या नहीं। तो यार मैं जो हूँ वो नहा कर आ चुका हूँ अपने जो है बबलू के पास। बबलू तुम लोग बोले कि फिर नाम चेंज कर दिया, यार मैं उस वक्त गलत नाम बता गया था जल्दबाजी में, दिलबर मैंने बबलू नाम रखा था इसका। तो भाई बबलू जो है ना हमारा, वो देखें कितना फ्रेश हो गया बैठा हुआ है, वरना चीखे जा रहा था बे बे बे, मैं समझ गया यार ये इसलिए चीख रहा था क्योंकि इसको नहाना था किसी भी हाल में, इसको गर्मी लग रही थी बहुत यार। खैर से बबलू हमारा फ्रेश हो गया देखें माशाल्लाह, और शाइनिंग कैसी मार रहा है ना माशाल्लाह से, देखें कितना प्यारा लग रहा है। चलो भाई ठीक है बबलू खुश है, देखें देखें नखरे ही नहीं मिल रहे भाई, ओ नखरे ही नहीं मिल रहे। चलो यार सेटअप पे चलते हैं, ऊपर जो है वो फुरकान भी आया हुआ है, तो चल के सेटअप पे सारों को दाना पानी करें हम। चल यार ऐसी कोई हवा चल रही है सेटअप पे, क्या बताऊं बस। और बाकी सामने का आप नजारा चेक करो, बादल ही बादल। ऐसे यार इनको दाना पानी करना है अपन लोगों ने सारों को, और तुम्हारे को एक चीज दिखाऊं, इधर आओ फुरकान को सरप्राइज दिखाएं, ये चेक करो ये आ गए हमारे छोटे आले जो हमारे रखे हुए थे वहां से लेकर आए हम वापसी। और इसका यार बेचारे का एक जो पैर थी ना मादी वो मर गई, और वो उसके नीचे नीचे उधर नीचे एक और सेपराइट नहीं था वो बटरफ्लाई कलर उसकी भी एक मादी मर गई। कैसे मर गई? वो वही वाला चक्कर तुम्हारे को पता तो है जो हमारे जानवरों को हुआ था। अरे कोई हमारे को ये बोल रहा है यार आपके जानवरों पे नजर लगी है या कुछ हुआ है, चेक कराते हैं, पता नहीं क्यों मर रहे हैं आपके इतने ज्यादा। खैर हो जाता है यार, रानी खेत ना एक को आए ना वो सबको ले जाती है। तो यार मैं जल्दी से पहले सबको दाना पानी कर दूं दोस्तों। और यार ये जो है ना, अरे भाई मेरा मोबाइल गिराएगा ये देखें, पूरे का पूरा फंस रहा है मोबाइल में, इसका भी कुछ करना पड़ेगा यार। अब पूरा तरपाल फट गया यार पूरे का पूरा। ओए 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 भाई हवा चेक करो। तो यार एक एक करके हमने जो है खाना दोस्तों, मैं इनको ना अंदर ही डाल रहा हूँ। अंदर डालने की वजह ये है हवा इतनी कोई तेज है कि मैं बोलूँ कि हमसे ही नहीं संभला जा रहा, हवा में खड़े हो रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि हवा पीछे की तरफ लगी हुई है। तो इस वजह से इन सारों को मैं आज खाना अंदर ही दूंगा। 2000 years later. तो यार सबको दाना पानी कर दिया दोस्तों, और इतनी देर में ना बारिश भी स्टार्ट हो गई थी, तो ये देखें पूरे का पूरा गीला हो रहा है, वो देखें सारा गीला हो रहा है। बाकी यार इस तरपाल से मैं तंग आ गया, इसने मेरे को दाना पानी डालने में ना बड़ा मुश्किल करी है यार। मुझे अभी जो परेशानी हो रही है ना वो ये हो रही है रात की, क्योंकि अभी स्लो बारिश हो रही है बहुत हल्की हल्की, लेकिन बादल जो है आसमान पे चढ़ा लगा पड़ा है यार, तो इसका ये डर है अगर रात में तेज बारिश हुई ना तो हमारा सेटअप पूरा गीला हो जाएगा। और अभी के अभी हम इसको कैसे करें मैं ये समझ नहीं आ रहा। खैर से मैं भाई को पूछूंगा अभी जाते ही कि क्या करना है यार, जल्दी बताओ, अगर रात ही रात में घुमाना है तो रात ही रात में करो, क्योंकि बारिश अगर तेज हुई ना तो सेटअप के अच्छे खासी हालत खराब हो जाएगी। बाकी यार ये देखो मौसम तो बहुत प्यारा हो गया है, और जो गर्मी का हफ्स का वो था ना एक शिद्दत, वो भी टूट चुका है पूरी तरीके से। इंजॉय कर हैं कहाँ यार, ये छुपकली कहाँ से आई? ये स्पाइडरमैन प्लस छुपकली प्लस नेवला प्लस सारी चीजें इसके अंदर मौजूद हैं। तो यार एक बात है, बारिश होने से ना हमारे तमाम जितने भी परिंदे देखें कितने खुश हो गए, कॉकटेल कहाँ हैं वो रहे सारे के सारे, क्योंकि हफ्स की शिद्दत कम हुई है ना तो इनके लिए बहुत अच्छा हो गया है। ये देखें चिड़ियाओं कितने कहकर आ रहे हैं, ये देखें कितने खुश हैं सुकून से सारे के सारे, बहुत सुकून में आ गए। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई तो मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह कल नए टॉपिक नए ब्लॉग के साथ, अभी के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय।